गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय सेल्फ अंशिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग तरीके, अलग अलग पोजीशन है। एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के अलग अलग पोजीशंस है, वो पोजीशंस हम जान लेते हैं कौन सी पोजीशन कहाँ है। तो पहला है ऑब्जेक्ट के पहले पोजीशन है एट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब इमेज ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज फोकस पे हमेशा बनेगी। और इसका रिलेशन और इमेज की साइज क्या है, रिलेटिव साइज क्या है इमेज की, तो इमेज की साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनेगी, लाइक पॉइंट साइज। और इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी इन्फिनिटी पे रहेगी, इमेज हमारा फोकस पे बनेगा और साइज इसकी डिमिनिस्ड रहेगी, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज। और इसका नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ऑन द सी रहेगा। सेकेंड वाला बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो हमारी इमेज फॉर्म होगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी और इसकी साइज भी डिमिनिश्ड रहेगी। इमेज से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी इसकी साइज, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से साइज की साइज से छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड साइज बनेगी। और इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। इसका भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। तो दूसरा देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे बियॉन्ड द सी, सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगी और इमेज जो फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। और जो इमेज की साइज बनेगी वो डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनेगी जो इमेज, वो इमेज की साइज है। और इसका नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम तीसरा देखते हैं, थर्ड जो है, थर्ड हमारा जो केस है वो ऑब्जेक्ट रहेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज पोजीशन की इमेज जो रहेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगी। और इसका साइज जो रहेगा वो साइज जो है वो सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज रहेगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज भी रहेगी। और इसका नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। इसका जो नेचर है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। और इसकी जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही रहेगी। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी ये भी रहेगा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी।
और हम हमारा फोर्थ केस जो है, फोर्थ केस में है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, इसकी इमेज फॉर्म होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इसकी इमेज फॉर्म होगी और इसका जो इमेज साइज रहेगा वो इनलार्ज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। इसका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा और इसका नेचर, इमेज का नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज की जो, एक बार और रिमेम्बर कर, रिवाइज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और जो पोजीशन है इमेज की वो बियॉन्ड द सीसी के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, और जो इमेज की साइज है वो लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, और नेचर जो है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब हम फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ जो बनेगा वो, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ जो बनेगा वो फोकस पे रहेगी, जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो फोकस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पे रहेगी और जो इमेज की पोजीशन रहेगी वो, इमेज की पोजीशन फोकस, इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पे रहेगी, इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी पे रहेगी और जो इमेज की साइज है वो हाईली इनलार्ज रहेगी। फोकस पे जब जाएगी तो बहुत बड़ी रहेगी, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज रहेगी और इसका नेचर जो रहेगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। अब हम आते हैं छठवें केस पे, जो कि ये सिक्स जो केस है वो हमारा मिरर, इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर के पीछे, इसकी इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। तो आइए देखते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी, पोल और इसके ऑब्जेक्ट जो रहेगी अब पोल और फोकस के बीच में रहेगी और इसका इमेज फॉर्म होगा, इसका इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होगा और इसकी जो इमेज की साइज है वो लार्ज बनेगी, इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी और इसका नेचर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। इसमें अलग बनते हैं केस, क्योंकि ये सब, ये जो पांच है वो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इसका रहता है इमेज का नेचर, क्योंकि वो जो इमेज, ये जो पांचों है इसलिए इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि वो इमेज के पीछे फॉर्म होती है लाइट। ये जो इमेज, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट भी आगे ही रहेगा और इमेज भी आगे ही फॉर्म होगी कहीं। और छठवें केस में जो है ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है, इसलिए वो जो इमेज है वो मिरर के पीछे फॉर्म होती है हमेशा। इसमें, इस केस में मिरर के पीछे ही इमेज फॉर्म होती है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और जो इसमें इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है, इमेज की साइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।